महाराष्ट्र में किसानों के बारे में जो स्थिति निर्माण हुई है, अतिवृष्टि के बाद कम से कम 4 बार महाराष्ट्र में हर जिले में हर जगह बड़े पैमाने पे बारिश हुई है। किसानों के खेतों में पिछले 3-3 महीने से पानी भरा है। खेत में का जो कोई होगा, अनाज होगा, धान होगा, ये सब पूरी तरह नष्ट हुआ है। इसके लिए इस महाराष्ट्र में गीला दुष्काल जाहिर करना चाहिए, मांगनी हमने की है, ये डिमांड हमने की है। सरकार इस डिमांड की तरफ ध्यान नहीं दे रही, सरकार किसानों के मजा उड़ा रही है, मजाक कर रही है, कृषि मंत्री स्पेसिफिक। और इसलिए शिवसेना ये डिमांड कर रही है कि गीला दुष्काल इस महाराष्ट्र में जाहिर होना चाहिए। किसानों को जो अतिवृष्टि के बारे में जो मदद जाहिर की है, अभी तक किसानों के खाते में पहुंच नहीं पाई है, वो भी तुरंत आना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी की दादागिरी भी खत्म करना चाहिए, ये डिमांड शिवसेना कर रही है। कृषि मंत्री ने कल कहा, कृषि मंत्री ने बोला था कि ओला दुष्काल, कृषि मंत्री ने जो कहा गलत कहा है। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार डीपी का स्विच भी नहीं लगा सकती, सरकार के पास पैसा नहीं, ये भी कृषि मंत्री ने कहा है। इसका मतलब किसानों के मदद के लिए केंद्र से मदद लेना चाहिए। केंद्र सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के इस महाराष्ट्र में भी एकनाथजी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है। इन्होंने केंद्र से पैसा लेना चाहिए, महाराष्ट्र के किसानों को देना चाहिए। आत्महत्या अतिवृष्टि से किसानों की आत्महत्या का प्रमाण बढ़ गया है। मराठवाड़ा में कम से कम 450-500 आत्महत्या हुई है, विदर्भ में भी इतनी ही हुई है। और ये सब हो रहा है जो गवर्नमेंट की सरकार की मदद किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है, इसकी वजह से आत्महत्या का प्रमाण बढ़ रहा है। सरकार असंवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र करेंगे, लेकिन ये आत्महत्या युक्त महाराष्ट्र बन रहा है। राशन के दुकान में 100 रुपए में जो दिवाली का किट देने वाले थे, इसमें तो सही में तो टेंडर 3 दिन का निकला था, वो गलत था, 512 कोटी रुपए का, वो 7 दिन का टेंडर निकालना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी भी इस टेंडर में धांधली तो हुई, लेकिन सर्वसामान्य लोगों को अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई। जो 4 चीजें देने वाले थे उसमें से ये किट में कई जगह 3-3, 2-2 ही चीजें हैं। और